बस बस यार, तू तो इमोशनल हो गया है। बस चारू। हाँ जी। बस मैं महेश के लिए गिफ्ट लेके आ रहा हूँ, तू पीछे से संभाल लेना। हाँ, अच्छा सुनो जी। हाँ। जब आप गिफ्ट लाओगे ना, हाँ, तो ऐसा गिफ्ट लाना कि जब महेश जी पिया जी को गिफ्ट देना, हाँ, तो पिया जी का चेहरा जगमगा उठे, उनकी आंखें चुंधिया जाए और देखते ही उनको प्यार की आग लग जाए। प्यार की आग मतलब अगर पिया जी को सड़ाना ही है तो मैं महेश को माचिस की तिली दे देता हूँ। ऐसी बातें करते हो जी। अच्छा ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम कोई गिफ्ट ही नहीं देते, पिया जी अपने आप ही सड़ जाएंगी। मैं कोई अच्छा सा रोमांटिक गिफ्ट लाने को कह रही हूँ आपको। ओए चारू, रोमांटिक तो मैं तुझे देख के हो रहा हूँ। मेरा दिल कर रहा है हम फिर से दूजी शादी कर लें, फिर से दूजा हनीमून, फिर से दूजा बच्चा। बस करो जी, बस शर्म करो, सब देख रहे हैं। और शर्म तो देखने वालों को आनी चाहिए, हमें किस बात की शर्म। अच्छा मैं चलता हूँ। जल्दी आना। आइए आइए प्रीति जी, आइए आइए। क्या है प्रीति जी? मौका अच्छा है, आओ भाग चले। कहाँ? इस जालिम समाज से दूर। जालिम समाज? कहाँ है जालिम समाज? अरे यहाँ, ये जो हमें शादी नहीं करने दे रहा। मतलब भाग के हम लोग शादी करेंगे? हाँ। और फिर क्या करेंगे? फिर हनीमून मनाएंगे। फिर हनीमून मनाते चले जाएंगे, मनाते चले जाएंगे, मनाते चले जाएंगे। फिर आपके पापा से माफी मांग लेंगे। क्यों? अब घर वापस आने के लिए किराए के पैसे तो चाहिए होंगे ना, पैसे तो खत्म हो गए होंगे सब हनीमून मनाते मनाते। कैसे मांगेंगे माफी? हम उनसे कहेंगे कि हम घर वापस आना चाहते हैं, हमें माफ कर दो। वो कहेंगे हम तुम्हारी सारी भूलें माफ कर देंगे अगर तुम लोग घर वापस ना आओ तो। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं कहेंगे। मत भूलो कि उनके दिल में धड़कता एक मासूम बाप का दिल है। उससे पहले उनकी रगों में दौड़ता राजपुताना खून है, वो तुम्हारा खून कर देंगे। तुम ऐसे बाप की बेटी हो। हाँ, और इस बेटी को बड़ा सा घर, जमीन, जायदाद और जिंदगी भर ऐश और आराम से जीने की चीजें चाहिए, तभी ये प्रीति तुमसे शादी करेगी। लेकिन ये सब जुटाते जुटाते तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। एक काम करते हैं, पहले शादी कर लेते हैं, फिर मैं सब ये ला ला कर तुम्हें देता रहूंगा। कहलाना है अगर प्रीति का पति तो पहले बनो करोड़पति। प्रीति 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 प्रीति, जल्दी चल, हमारा नंबर आ गया, डांस करेंगे। आई आई आई। प्रीति जी, प्रीति जी। क्या है? प्रीति जी मैं आपसे प्यार करता हूँ। मैं भी करती हूँ, मगर पैसों से। प्रीति जी, ओ प्रीति जी। शमशेर अंकल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? आइए। आओ जी आओ। हाँ, ये तो अपना शेरू ही है। आ जाओ आ जाओ। ओहो शेरू यार, तू ठीक है ना? ओए मेशी, ये कैसा सवाल पूछ रहा है? ये मैं तुझे ठीक लग रहा हूँ? ओ यार हाल ऐसे ही पूछते हैं। डॉक्टर साहब क्या हुआ? टांग में मल्टीपल फ्रैक्चर थे, सब ऑपरेशन ठीक हो गया है। हाथ में माइनर फ्रैक्चर है, वो भी ठीक हो जाएगा, घबराने की बात नहीं। थैंक यू। वैसे यार शेरू, ये सब हुआ कैसे? एक्सीडेंट बता के थोड़े ना होता है। एक बच्चे को बचाने के चक्कर में गाड़ी मैंने मंदिर में घुसेड़ दी, बस यूं समझ ले रब की मार। ओहो ओहो ओहो, गाड़ी संभली नहीं, टायर शायर लूज था क्या? नहीं, मैं टाइट था। ओहो, वैसे कितनी चोटें आई हैं? गिनी नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कुछ भी बचा नहीं। ओए तू क्यों रो रही है? बच गया हूँ इसलिए रो रही है। हाय रब्बा, चुप करो जी। आपको इतनी चोट लगी इसलिए तो रो रही हो, और चोट का दर्द तो मुझे ही होगा ना। काश ऐसा मुमकिन हो पाता कि हर पति का दर्द पत्नियों को ट्रांसफर हो जाता तो देश में तो कब से राम राज्य आ जाता। पुत्र, बीमारी में ज्यादा बोलते नहीं है। कहाँ दुखता है? यहाँ? यहाँ? के यहाँ? फायदा मत उठा माई, हाथ उठा। घबराना पुत्र, तू वो क्षति ठीक ठाक हो जा ना। हाँ अच्छा, सच्ची मुझे तो लग रहा था कि रब ने तेरी दुआ सुन ली। हाय मैं मर जा, मैं क्यों बद्दुआ दूंगी? मैं को तेरी दुश्मन हूँ? देख ले पुत्र, इस बीमारी में मैंने ही तेरे काम आना है। हाँ, तेरे को क्या चाहिए बोल तू मुझे। अच्छा, अस्पताल का बिल दे दियो। हाय रब्बा, दर्द हो रहा है। कहाँ हो रहा है? वो कहाँ नहीं हो रहा, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। हाय रब्बा, दवाई ली? किसकी? सांस रोकने की। तू दे दे। चुप रहो जी, मैं तो दर्द रोकने की दवाई की बात कर रही थी। ओए दर्द कहाँ रुकने हैं, दर्द के साथ तो जीने की आदत पड़ गई है। पिया जी मुझे माफ करना, मेरी वजह से आपकी शादी खराब हो गई। ऐसा मत कहिए, मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप जल्द से जल्द अच्छे हो जाएं। शादी तो कभी भी हो सकती है। पिया जी शादी तो आप कर ही लीजिए, मर्द है क्या भरोसा। बाद में मेरे पास आशीर्वाद लेने आ जाना, मैं इस आस से दे दूंगा। नहीं नहीं, मैं आपके बगैर शादी करूंगी ही नहीं, इसलिए आप जल्द से जल्द अच्छे होकर आ जाइए। और मेरा क्या भरोसा, अब मैं ठीक से चल भी पाऊंगा कि नहीं। और मेशी समझा इसे। और चलेगा कैसे नहीं, हम चलाएंगे। और चलेगा क्या, जिम्नास्टिक करने लगेगा तू। सच्ची मुच्छी। मेशी, एक्सीडेंट का बड़ा फायदा हो गया। दोनों टांगों के होते हुए मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जिम्नास्टिक कर सकता हूँ, लेकिन अब मैं कर पाऊंगा। लेकिन एक नुकसान भी हुआ है। क्या? मेशी, डॉक्टर को दूर रखने के लिए मैंने बड़े सेब खाए। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, लेकिन मैं फिर भी डॉक्टर के हत्थे चढ़ गया। पापा, मैं आप ही के पास रहूंगी। आपको खाने के लिए जो कुछ भी चाहिए होगा ना, मैं आपको लाके दूंगी। हाँ बड़े पापा, मैं यहीं रहकर आपकी सेवा करूंगी और आपको नई नई कहानियां पढ़कर सुनाऊंगी। शाबाश बच्चों, लेकिन अगर मेरे पास यहाँ रहोगे तो डांट खाते रहोगे, इसलिए छोड़ो मुझे और जाओ यहाँ से। नहीं तो मैं रह जाती हूँ। ओ माई, पहले ही बहुत जख्म मिले हैं, तू तो माफ कर। आप लोग सबको घर जाओ, मैं यहाँ रुकती हूँ अस्पताल में। किसी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो बता दूंगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं सामान भिजवा दूंगी और हर सुबह मैं आया करूंगी। वाह भाई शेरू, ओए हर जनानी तेरी सेवा के लिए मौजूद है। ओए इन जनानियों का मैंने क्या करना है? हॉस्पिटल में एडमिट होने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। ले जा यार इन सबको। आओ भी आओ, चले शेरू को आराम करने दो। हैं पुत्र, ध्यान रखिए। हाँ, प्रीति का ध्यान रखिए। अच्छा वैसे शेरू तू ठीक तो है ना? भाई साहब, मैं एक लिस्ट देती हूँ, घर से सामान भिजवा देना। अच्छा वैसे शेरू, तुझे कोई खास चीज चाहिए तो बता दे, अद्दा पौना क्वार्टर। ओए मेशी, एक अच्छी सी नर्स का इंतजाम करा दे, बड़ा दर्द हो रहा। ओए हाजी हो गई। चारू नाकार इतनी सेवा, ऊपर जाके मैंने राब को शक्ल भी दिखानी है। ओ खाओ ना। सारे एहसान पता नहीं कौन से खाते में डाल रही है, मुझे नहीं खाना। हाथ पाँव टुट्टे पज्जे पड़े हुए, लेकिन अकड़ अभी भी वही की वही। चलो दवाई तो खानी पड़ेगी, जल्दी करो। नहीं खानी यार मुझे इतनी कड़वी दवाइयां, मैं ऐसे ही रह लूंगा। बीमारी में तो बिल्कुल बच्चे हो जाते हो। दवाई तो खानी पड़ेगी, हाँ जल्दी करो चलो। चारू मैं तंग आ गया हूँ रंग बिरंगी गोलियां खा के, अब तो सपने भी रंग बिरंगे आने लग पड़े हैं। तो अच्छा है ना? क्या खाक अच्छा है? हाथ पाँव टूटे पड़े हैं, कुछ भी तो नहीं कर सकता। सब ठीक है ना? और किसी चीज की जरूरत हो तो बोलना, अपना ही घर समझना, हाँ शर्माना नहीं। बच्चे ठीक ठाक रहे ना? सब ठीक है ना? हाँ लाला लाला करीमा, अपना ही घर है, कोई गल नहीं। बैठो बैठो आराम करो। हाय हाय। हाँ नहीं भैन शकुंतला, आजो आजो लंघ आओ ना। दस घर में कुछ हो जाए तो ही तूने आना है, हैं? कितने दिन हो गए? मैं तो शमशेर का पता लेने आई थी। मैं क्या करूं, मेरे बिगर ये नहीं रहते, इनके बिगर बच्चे नहीं रहते, इसलिए मैं सभी को ले आई। अरे चंगा किया, चंगा किया, बहुत ही चंगा किया भाई। ये तो अपना ही कार है। आजो आजो लंघ आओ। चल बच्चे लंघ जाओ। शाबाश, आजा आजा, तू भी आजा। अच्छा एक बात बता, ये कौन है? ये शमशेर की तरफ से आए हुए रिश्तेदार हैं। आई है तो चिपक के बैठ गई है। तू बैठ, मैं तेरे लिए ठंडी मीठी लस्सी लेकर आती हूँ। बैठ बैठ। देखनी अपने सगे वाली को तो देगी मिठी ठंडी लस्सी, और हमें पिला दी नमकीन कोड़ी जहर वर्गा। वो उसके सगे वाले जो ठहरे और हम ठहरे शमशेर की तरफ से। नहीं फिर भी बहू का कुछ फर्ज तो बनता है ना। ये चालू रहता है कहाँ? घर में मेहमान बैठे हैं और ये मौज मस्ती करने चले गए अस्पताल में। उसे क्या फिक्र है मेहमानों की? पढ़ी लिखी जो ठहरी हमेशा फैशन में घूमती फिरती रहती है। ये मैंने तो ये भी सुना है कि शेरू जो कमाता है ना, सारा अपने रिश्तेदारों को भेज देती है। हाँ सानू भी, मैंने सोचा जाके पूछ आऊँ, कल को ये ना कहे कि पूछने नहीं आई है। जिसे घर में बिठाया उसने रोटी शोटी भी नहीं पूछी। नहीं रोटी शोटी पूछने के लिए इतना बड़ा दिल चाहिदा दिल। हाँ जदों मेरे जेठ मरे थे ना, 13वीं पे लोगों को ऐसा खाना खिलाया था कि आज तक लोग याद करते हैं। हाँ मैंने सुना ये जो बीरा है ना, यहाँ अपनी बेटी की रोटियाँ तोड़ रही है। चुका चुका रही है। हाँ मेरा भैन आजा, चुका भैन। किसी चीज की जरूरत हो तो बोलना, शर्माना नहीं, अपना ही घर समझना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं जरा दूध पियांगी, बड़ी खुशकी जी आई हुई है। बड़ी प्यारी सहेली आई है मेरी। बचपन कट्ठे बिताया है, सहेली का दी मैंने ही समझो। बड़ा ही प्यार करती है मुझे। और फिर शमशेर का ब्याह भी तो हमारी वजह से ही हुआ था। बेटा, बेटा, बनौसा जी, ये शेरू का ही घर है ना? अच्छा अच्छा भाई, नमस्ते नमस्ते, सत श्री अकाल, नमस्ते। कहाँ आ गया मैं? अरे प्रीति बेटा, अरे प्रीति है यहाँ? प्रीति रहती थी यहाँ? अरे बेटा ये शरणार्थी कौन है? कहाँ से आए हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? ये कहीं जा नहीं रहे, ये आए हैं। आए तो ये सब पापा का पता पूछने थे, पर किसी ने भी पापा का पता नहीं पूछा। इन लोगों की डिमांड्स पूरी करते करते मैं तो थक गई हूँ। घर का सारा सामान भी खत्म हो गया है। अच्छा शेरू ने क्या इनसे कर्जा लिया हुआ था? अरे भाई कौन है ये? ये हमारे रिश्तेदार हैं, वो भी दूर के। वो तो मैं समझ गया था, रिश्तेदार ही हैं। लेकिन बेटा आजकल के फास्ट ट्रांसपोर्टेशन के ज़माने में दूर का रिश्तेदार कोई नहीं होता, सब मौका मिलते करीब आ जाते हैं। खैर तूने जो पापा के लिए भेजना ना सामान, वो मुझे दे दे, बाकी इनका क्या करना है वो मैं शेरू से पूछ लूँगा। जा मुझे दे दे ला। ला, अरे बेशी पुत्र तू यहाँ खड़ा है? अरे बेशी पुत्र सामान की लिस्ट देनी थी तेरे को, सारा सामान खत्म हो गया। अच्छा? टीन कनस्तर भी भरने हैं, सेब केले चीकू संतरे सब ले आना। 10 किलो दूध भी ले आना है। और ना ये केशी पुत्र है, बड़ा बीबा पुत्र है, बड़ा ही चंगा मुंडा है, अपने शेरू का पक्का दोस्त है। तुम्हें कुछ चाहिए हो ना तो बोल देना, घर की बात है, घर की बात है। वैसे तो तेरे को पता है मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं होता, पर वो है ना पप्पू के बाबूजी, वो ना उन्हें दूध के साथ जलेबी ना मिले ना तो उन्हें नींद ही नहीं आती। और देख बाहर देख बच्चे हैं ना, आजकल बच्चों को मीठा ना दो ना तो मुंह भुला लेते हैं। 2-4 किलो मिठाई ले आना। ओ हाँ, मैं तो बताना ही भूल गई, पप्पू के बाबूजी हैं ना, उन्हें ना रोज दाल नहीं जमता, हाँ वो ना कमजोरी आ जाती है। हाँ मटन चिकन तो जरूर ले आना, बाकी मुझे तो ना कुछ नहीं चाहिए होता। बाकी तुम तो समझदार हो ना। समझदार तो जी आप हैं, हम तो आपके पुत्र हैं। अच्छा बेटा ये भी ले आना। हाँ सब कुछ ले आऊंगा बेटा, मैं चला। सब कुछ ले आना। सूखा पे है ना, चल तेरे को रंगीन टीवी दिखाऊं। रंगीन टीवी तो मैं रोज देखती हूँ। ओहो खुशियाँ सीरियल आता है टीवी पे, देखा तूने? नहीं, वो आने वाला है, चल बड़ा गुड सीरियल है, चल तेरे को दिखाऊं। चल चल। अच्छा है, कुछ दिन चैन तो लोगे। 24 घंटे काम काम काम, बस चैन लेने देगी तब ना, बीमारी में तो अकेला छोड़। अच्छा जो सारी रात आए 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 करते रहते हो, मैं ही तो हूँ जो जाग जाग कर आपकी सेवा करती हूँ। तू जाएगी यहाँ से तभी तो हॉस्पिटल वाले भेजेंगे ना सेवा करने वाली को। अरे रब्बा, हाथ पाँव टूटे पड़े लेकिन नियत वही की वही। मैं कहती हूँ ना सारे आदमी एक जैसे ही होते हैं। और तू रहने दे, हम हैं तभी तो तुम हो, वरना औरतों को पूछता कौन। रहने दो जी, ये हम ही हैं तो आप हो, हम ही हैं जो ताने सुन के भी सेवा करने लग जाते हैं। उल्टा बोल रही है, रब से पूछ, सबसे पहले उसने संसार बनाया तो हर कोई चैन से सोया, उसके बाद उसने औरत बनाई फिर कोई ना सोया। शेरू बाबू जी बड़ी जोरदार सेवा हो रही है, आवाजें बाहर तक आ रही थी। हाँ ये भाई साहब बैठिए, बीमारी में भी स्टैमिना कम नहीं हुआ इनका, संभालिए। अच्छा इसकी तबीयत तो ठीक है ना? खराब लग तो नहीं रही, आप बैठिए, मैं जरा बगल वाले कमरे से डॉक्टर साहब को मिलकर आता हूँ। अच्छा और सुना भाई शेरू, तू ठीक तो है ना? फिर वही बेहुदा सवाल। तो यार मरीज से ऐसे ही पूछते हैं। अच्छा भाभी कह रही थी रात को तेरा दिल धड़क रहा था। दिल का तो काम ही है धड़कना, ना धड़के। और नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि रात को तू बेचैन रहा। अच्छा जब तेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था तो तुझे डॉक्टर ने क्या दिया? एक बूढ़ी नर्स को भेज दिया, सब कुछ रुक गया। झूम ले नाच ले ना कर इंतजार, बड़ी खुशी के चक्कर में नन्ही ना कर बेकार। ए इधर उधर बिखरी है कितनी है खुशियाँ, तेरा दामन भर जाएगा इतनी है खुशियाँ। सोच सोच घबराना प्यारे, कर ले तू मस्तियाँ, सोच सोच घबराना।